की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट लॉजिटेक पेरिफेरल्स, और आज हम लोग देखने वाले हैं कर्मा आईटी हब में कि क्या प्राइजेस चालू है कंप्लीट लॉजिटेक पेरिफेरल्स का। ये पेरिफेरल्स में हम लोग माउस, कीबोर्ड्स, हेडफोन सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी कर्मा आईटी हब में कि क्या प्राइजेस चालू है। प्लस मैं मेरे साइड से एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन देने वाला हूँ आप सभी लोगों को। हर एक प्रोडक्ट का हर एक अलग अलग कूपन कोड रहेगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए वीडियो देखने के बाद, और जब भी आप बाय करोगे तो ये कूपन कोड मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलो अभी चालू करते हैं कर्मा आईटी हब में लॉजिटेक पेरिफेरल्स के क्या रेंज चालू है। और प्रदीप भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉजिटेक के कंप्लीट पेरिफेरल्स के ऊपर। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं माउस के ऊपर। हम लोग देख रहे हैं कि आपने पूरा अरेंज करके तो रख दिया है माउस का, तो स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ते में लॉजिटेक पेरिफेरल्स में। सबसे सस्ते में माउस कौन सा आ रहा है? सो माउस देखिए, टोटल वैरायटी तो नहीं है मेरे पास, बट ऑलमोस्ट मैंने कवर करा हुआ है। स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे M90 वायर्ड USB माउस आएगा, जो कि आपको 300 rupees ऑल इंक्लूसिव का आता है, अलॉन्ग विद 3 इयर्स वारंटी रिप्लेसमेंट। ओके, उसके बाद आता है आपका M170। दिस इज अ नॉर्मल वायरलेस माउस जो आपको 550 के रेंज में आता है। ये भी बेसिकली स्टैंडर्ड वारंटी 1 ईयर के साथ आता है बाय कंपनी। इसके बाद हम देखेंगे तो लॉजिटेक का एक M185 करके एक माउस है, जो कि आपका ये भी वायरलेस है, टेट्रापैक के साथ आता है। इसकी कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे तो दिस इज फॉर 650 rupees ऑल इंक्लूसिव, ये भी 1 ईयर वारंटी के साथ है। फिर अगर जैसे कि किसी को एप्पल मैजिक माउस जिस तरह का कुछ माउस देखना है, तो यू कैन गो विद लॉजिटेक पेबल M350 माउस। ये 1450 rupees के कॉस्टिंग में आपको आता है विद 1 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी। इसके बाद हम देखेंगे कुछ गेमिंग माउस है 4-5 मेरे पास, जैसे कि G102 लॉजिटेक का सबसे एंट्री लेवल मॉडल है आपका, गेमिंग के लिए काफी डिसेंट है, काफी अच्छा, चलने में प्रॉब्लम नहीं, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, 2 साल वारंटी के साथ है। ये आप लेते तो ये आता है आपको 1450 रुपए का। फिर आता है आपका G402, तो ये देखिए ये सबसे ज्यादा रनिंग माउस है आपका। आज लास्ट कुछ 3-4 साल से यही माउस ट्रेंडिंग आपको हर जगह दिखेगा, इन द कैफेज कमर्शियल गेमिंग में आपको लॉजिटेक का G402 काफी दिखेगा। ये इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 2050 रुपए की विद 2 इयर्स वारंटी। इसके बाद हम देखेंगे तो लॉजिटेक का आता है G403। 402 के ऊपर उन्होंने अभी निकाला है 403। ये अगर माउस देखेंगे तो ये आपको लगभग पड़ता है 4950 रुपए का विद कंपनी स्टैंडर्ड वारंटी। फिर देखेंगे हम 502 हीरो, ये एक ऐसा माउस है आपका जिसमें आपको वेट्स अलग से दिए हुए हैं, जिसको लाइट वेट रखना है या जिसको वेट ज्यादा चाहिए, जिसको FPS गेमिंग करना है वो लाइट वेट कर सकता है, जिसको हैवी चाहिए जैसे जिसके जिसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये काफी अच्छा माउस है। इसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपको 3600 ऑल इंक्लूसिव विद स्टैंडर्ड वारंटी कंपनी अगेन। और फिर आप देखेंगे तो आएगा लॉजिटेक का G603। दिस इज ऑल्सो गेमिंग वायरलेस माउस। इसकी जगह अभी आपने G Pro वायरलेस काफी माउस आया, वो अब तक स्टॉक में आया नहीं है, बट अभी के लिए फिर मेरे पास ये है G603, जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 4850 ऑल इंक्लूसिव। ओके, और प्रतीक भाई अभी बात करें MX Master सीरीज के ऊपर जो एडिटिंग में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहे, तो उनका एक क्या रेंज रहेगा? अभी MX Master 3 चल रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि वही एक रनिंग मॉडल है। 2 तो अभी मिल रहा है, बट ज्यादा 2 लेने की प्रेफरेंस मतलब नहीं है। 3 लेंगे तो कुछ 7100 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में पड़ रहा है। अभी आते हैं कीबोर्ड्स के ऊपर। कीबोर्ड्स में भी लॉजिटेक बहुत ही ज्यादा वैरायटीज प्रोवाइड कर रहा है, बजट सेगमेंट से लेके गेमिंग सेगमेंट तक। तो कीबोर्ड्स में क्या क्या रेंज है अभी? कीबोर्ड में बेसिकली देखेंगे तो दिस इज अ K120 कीबोर्ड, उसका मॉडल है K120 जो USB कीबोर्ड के साथ है। ये आपका विंडोज, लिनक्स और आपका क्रोम OS तीनों में सपोर्टेड है। इसकी कॉस्टिंग आएगी आपको 500 rupees ऑल इंक्लूसिव के बाद। इसके बाद अगर आप देखेंगे दिस इज K375S जो नीचे है, मल्टी डिवाइस कीबोर्ड है। इसमें आपका विंडोज सपोर्ट है, मैक सपोर्ट है, क्रोम OS सपोर्ट है, iOS सपोर्ट है, एंड्रॉइड सपोर्ट है, ऑल सपोर्टेड के साथ है। इसके साथ आपको एक स्टैंड भी आता है, तो इसको कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड प्लस स्टैंड कॉम्बो बोल सकते हो। ये लगभग आपको पड़ता है 2350 ऑल इंक्लूसिव के साथ। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिस इज लॉजिटेक का स्लिम मल्टी डिवाइस K580। ये बेसिकली अभी नया कीबोर्ड, नया जस्ट रिसेंटली लॉन्च है। इसकी कीमत आपको पड़ती है 3150 रुपए ऑल इंक्लूसिव के साथ। ये भी आपका बेसिकली हो गया जिसमें आप टैब में यूज करना है या एप्पल के कोई डिवाइसेस में यूज करना है, आईपैड या समथिंग, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद अपन देखेंगे तो एक वायर्ड कॉम्बो है, सो दिस इज अ लॉजिटेक का MK200 मीडिया एज एन। इसमें आपको मीडिया के अलग से आपको डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं। ये आपको कॉम्बो जाता है 850 का। इसके बाद और भी हमारे पास लॉजिटेक के वायरलेस कॉम्बोज है, जैसे कि MK220 है, तो दैट इज अ बेसिक कीबोर्ड माउस कॉम्बो विद 3 इयर्स कंपनी लिमिटेड वारंटी, वो आपको आता है 1200 rupees का। इसके बाद इसमें आपका MK235 आएगा, 275 आएगा, 345 आएगा, काफी अच्छे लग्जरी मॉडल्स है आपको, लग्जरी एंड लाइक कम्फर्ट मॉडल्स आप बोल सकते हो, प्रीमियम कैटेगरी के ऑफिस पर्पज कीबोर्ड माउस हो गए। इसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ गेमिंग कीबोर्ड में। गेमिंग कीबोर्ड्स बेसिकली लॉजिटेक के जो स्टार्ट होते हैं वो है G213 से, जो बेसिकली एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, पर राइट नाउ आज के डेट पे यू नो लाइक 3500 रुपया 4000 अगर इंसान खरीदेगा, तो मैं भी सोचता हूँ कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स ना ही ले। तो बेसिकली
स्टार्ट करते हैं हमारे G512 कार्बन के साथ। सो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए, रोमर जी टैक्टाइल स्विचेस के साथ है, ब्लू स्विचेस के साथ है। दिस इज G512 कार्बन, लॉजिटेक का मैकेनिकल कीबोर्ड ये है। इसका प्राइस आपको आता है 8850 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस जो RGB के साथ है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली दिस इज G813। ये शायद ही आपको इंडिया में दिखे या फिर बहुत कम जगह आपको रेयर प्लेसेस पे कीबोर्ड मिलेगा G813। इसके ऊपर अब तक के इंडिया में तो इन्होंने कुछ लॉन्च नहीं करा, सो दिस इज द मैक्स आउट कीबोर्ड वी हैव इन इंडिया फॉर नाउ G813। ये आपको कॉस्टिंग पड़ता है 13,500 ऑल इंक्लूसिव। फिर मेरे पास एक मैकेनिकल वायरलेस कीबोर्ड है विदाउट RGB जो ऑफिस पर्पस जिसके लिए चाहिए, जिनको गेमिंग से इतना मतलब नहीं लेकिन वायरलेस विद मैकेनिकल चाहिए तो आप इस कीबोर्ड के साथ जा सकते हो। ये है G613 कीबोर्ड, इसकी कॉस्टिंग आपको लगभग पड़ती है 7,350 ऑल इंक्लूसिव। ओके, और ये जो G813 है ये अभी के टाइम पे सब जगह पे आउट ऑफ स्टॉक है, और आपके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है इनके? देखिए यार, जो भी स्टॉक है लॉजिटेक के बहुत कम लिमिटेड स्टॉक है, ज्यादा स्टॉक नहीं क्योंकि अभी वैरायटीज इतनी हो गई है, इतने ब्रांड्स हो गए तो हम भी स्टॉक थोड़ा कम करें, लेकिन ये किया है कि आपको वैरायटीज हर चीज की मिल जाए। तो अभी आते हेडफोन्स के ऊपर, हेडफोन्स लॉजिटेक ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे अभी के टाइम पे क्योंकि मार्केट में जरा शॉर्टेज चल रहा है हेडफोन्स का, तो जितना है आपके पास अभी क्या रेंज चालू है उनका? सो बेसिकली ऐसा नहीं है, लॉजिटेक के पास भी हेडफोन वैरायटी है काफी अच्छी, बट मैं जितना देखता हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट सर फ्रैंकली रहेगा, मैं एज ए कस्टमर खुद समझता हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कौन सा रखना है, कौन सा बिकना चाहिए। मुझे एक ये डिसेंट लगा था G331 लॉजिटेक का, जो ये हेडफोन है आपका, ये हेडफोन आपको 3750 ऑल इंक्लूसिव में आता है, 50mm ड्राइवर्स है जो सब में ही आता है, बेसिकली डिसेंट हेडफोन है गेमिंग के लिए अगर ले रहे हो तो इससे आप मतलब ये बजट में आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे पास लॉजिटेक का जी प्रो एक्स है जो ब्लू वॉइस माइक के साथ है। इसमें याद रखिए दो मॉडल है, जी प्रो एंड जी प्रो एक्स। तो ये जी प्रो एक्स वर्जन है, ये आपको पड़ता है 11,500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस के साथ। तो प्रतीक भाई, मुझे एक पूछना था आपको, एज अ सेलर लॉजिटेक एज अ ब्रांड ने अपना मार्केट स्ट्रेटेजी कैसा बना के रखा है? जो लॉजिटेक अभी जितना तक मुझे मालूम है लॉजिटेक के कंपोनेंट्स प्रीमियम लोग ही ले रहे, तो कैसा है एज अ मार्केट लॉजिटेक का? लॉजिटेक है पहले से ही यार, लॉजिटेक को जरूरत नहीं है कि कोई मार्केट हो ना हो, डजंट मैटर लाइक कितने भी ब्रांड्स आए गए, बट द थिंग इज के अभी जो क्वालिटी है, क्वालिटी लॉजिटेक आज भी देता है। हाँ, काफी कंप्लेंट्स इन द माउस में डबल क्लिक एरर्स आ रहे हैं, बट दैट इज फाइन बिकॉज इट्स अ गेमिंग माउस, यू गेट द रिप्लेसमेंट। अनटिल अनलेस आपको रिप्लेसमेंट सर्विस मिल रहा है तब तक कि आपको सैटिस्फाइड लाइक अनसैटिस्फैक्शन होना नहीं चाहिए। सेकंड थिंग, अभी इसके अगेन आप दूसरे ब्रांड कंपेयर करोगे, चलो नाम तो नहीं लेना चाहता, पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके सर्विस के इतने इश्यूज है कि आपको सो एंड सो अंधेरी जाओ, गोरेगांव जाओ, फलाना यहाँ वहाँ आपको सर्विस के लिए ये करना पड़ता है। आप लॉजिटेक को चाहे कूरियर करो उनके सर्विस सेंटर्स में, वहां से आपको डायरेक्ट कूरियर रिटर्न आएगा। आपको सर्विस बहुत अच्छा है लॉजिटेक का, एंड क्वालिटी तो यार आपको पता है, आप खुद बच्चे और मैं खुद छोटेपन में अपने स्पीकर्स और ये सब लॉजिटेक ही यूज करा हुआ है। बराबर। और गाइस, मुझे एक आपको बताना है अबाउट इस लॉजिटेक पेरिफेरल्स। अगर आप कर्मा आईटी से लॉजिटेक पेरिफेरल्स लेते हो तो मैंने एक स्पेशल कूपन कोड दिया है लॉजिटेक पेरिफेरल्स का, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक यूनिट का हर एक कूपन कोड दिया है, उससे आपको एक सर्टन अमाउंट का डिस्काउंट भी मिल सकता है मेरे साइड से, तो एक बार आप जरूर चेक कीजिए। और अगर आपको बाय करना रहेगा तो प्रतीक भाई का जो मैं नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगेन, ये जो स्कीम दे रहे हो ओमकार भाई, ये सिर्फ गेमिंग पेरिफेरल्स के लिए, नॉट फॉर नॉर्मल यूज। तो जितनी भी इंक्वायरीज है उसी तरह से आई है कि खाली सिर्फ गेमिंग कंपोनेंट्स में ही आपको डिस्काउंट या जो भी कूपन मिल रहा है वो गेमिंग के लिए है, एंट्री लेवल्स में नहीं है, तो वो कंफ्यूजन ना रहे। ओके, और मैंने जो कंफ्यूजन हटाने के लिए हर एक पेरिफेरल का, चाहे वो माउस हो चाहे वो कीबोर्ड हो, हर एक पेरिफेरल्स का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कितना ऑफ आपको मिलेगा वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो जब भी आप कॉन्टेक्ट करोगे प्रतीक भाई को तो मेरा रेफरेंस देके एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए, तो जिससे आपको एक सर्टन अमाउंट का डिस्काउंट मिले लॉजिटेक पेरिफेरल्स के ऊपर। सो बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स है विच आर अंडर द स्कीम, अंडर द डिस्काउंट पॉलिसी, उन सब चीज के लिए, और एक चीज मेरे एंड से हमारे कर्मा आईटी से कि आपको जो शिपिंग रहेगा और पैकेजिंग रहेगा दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर दैट टाइम। तो गाइस, ये था पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लॉजिटेक पेरिफेरल्स के ऊपर तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू अस।